Hey guys, subscribe and press the bell icon to never miss the video from the easy food recipes. हेलो फ्रेंड्स, आज हम चना दाल की सूखी सब्जी बनाएंगे और ये सब्जी हम प्रेशर कुकर में रेडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चना दाल की सब्जी बनाना। चना दाल की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चना दाल को 4 घंटे पहले नॉर्मल गर्म पानी में भिगो कर रखा था। अब ये भीग कर रेडी हो चुकी है, तो अब इसे पानी में से निकाल लिया है और इसके साथ 1 कप प्याज इस तरह से कटा हुआ, हरा धनिया, गरम मसाला, जीरा, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हींग, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून हरी मिर्च अदरक लहसुन की पेस्ट और सब्जी बनाने के लिए ऑयल। अब चना दाल की सब्जी बनाने के लिए एक प्रेशर कुकर को गैस पर रखेंगे और गैस ऑन कर लेंगे। उसमें 4 टेबलस्पून जितना ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब उसमें 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और साथ में प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हल्का सा गोल्डन कलर का रोस्ट करना है। प्याज में स्पून से चलाते रहना है। प्याज रोस्ट हो चुका है तो अब उसमें 1/2 टीस्पून हरी मिर्च अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करके सारी चीज़ों को मिला लेंगे। 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करके मिला लेंगे। अब उसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और साथ में चना दाल ऐड करेंगे। एक टीस्पून नमक ऐड करके मिला लेंगे। चना दाल की हम सूखी सब्जी बना रहे हैं तो हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और 2 व्हिसल लगने के बाद गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। 2 व्हिसल लग चुकी है और प्रेशर कुकर में प्रेशर भी खत्म हो चुका है, तो अब प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलेंगे और दाल को चेक करेंगे। आप देख सकते हैं दाल अच्छे से कुक होकर रेडी हो चुकी है, तो इसे सर्व करने के लिए एक हांडी में निकाल लेंगे। सब्जी को हरे धनिया से गार्निश करेंगे। चना दाल की सूखी सब्जी सर्व करने के लिए रेडी हो चुकी है। इस तरह से चना दाल की सब्जी बनाकर हम दोपहर को लंच में या फिर शाम को डिनर में इसे रोटी पराठा या चपाती के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और ये बहुत ही कम टाइम में रेडी हो जाती है। ये बिल्कुल ईजी रेसिपी है, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए और इस तरह से चना दाल की सूखी सब्जी बनाकर इसे सर्व कीजिए। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए और मेरी अगली रेसिपी देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।